के लिए। और अब हम सीधे रुख करते हैं हजारीबाग जिले का, जहां से हमारे संवाददाता शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक का रुख करेंगे और हजारीबाग जिले में आज दिनभर क्या प्रमुख चीजें घटने वाली है, आज हजारीबाग जिले में क्या कुछ खास होने वाला है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधे चलते हैं शशांक के पास। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, आज हजारीबाग जिले में क्या कुछ खास होने वाला है? एक तो आज वहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है, ये तो खास बात है, इसके अलावा और क्या कुछ गतिविधियां होने वाली है शशांक? जी नवीन, आज हजारीबाग में जो मुख्य घटनाएं हैं उसमें सबसे मुख्य तो मुख्यमंत्री का जो हजारीबाग दौरा है उसे ही लेकर है, और चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री का दौरा है इचाक प्रखंड में, वो ऐतिहासिक होने वाला है। झामुमो कार्यकर्ता इसे लेकर काफी खुश है तथा प्रशासन भी कोई कमी इसमें छोड़ना नहीं चाहता है। सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। हजारीबाग जिला प्रशासन, खुद डीसी एसपी देर रात तक इचाक प्रखंड के सभा स्थल जहां पे ये सभा होनी है वहां, आपको बता दूं जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव में मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, और इचाक में, इचाक प्रखंड में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है, तो ऐसे में वहां के लोग काफी खुश हैं। आपको बता दूं मुख्यमंत्री आज 536 करोड़ की 334 योजनाओं का हजारीबाग में शिलान्यास करने वाले हैं, तो ये काफी खास है। आपको बता दूं चुनावी कुछ दिनों में चुनाव का समय, मुख्यमंत्री का ये दौरा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, और काफी कुछ हजारीबाग को देने की कोशिश की गई है। 536 करोड़ की 334 योजनाओं का मुख्यमंत्री आज शिलान्यास करेंगे। झामुमो कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो काफी खुश है, और आज सुबह से ही वहां लोग पहुंचना स्टार्ट कर दिए, खासकर झामुमो के लोग देर रात भी वहां मौजूद थे और अभी भी झामुमो के लोग वहां मौजूद हैं। भीड़ काफी होने वाली है वहां, लोग पहुंचने वाले हैं, और जिला प्रशासन खासकर पुलिस विभाग की बात करें तो जो पिछला जेएसएससी कार्यालय का जो कुछ दिन पहले रांची में घेराव हुआ है, और सबसे खास बात यह है कि जब पिछली बार आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में सीएम हजारीबाग आए थे और गांधी मैदान में उनकी सभा हुई थी, तो उस समय भी छात्र खासा नाराज थे सीएम हेमंत सोरेन से, और उन्होंने सीएम का होटिंग किया था, तो ऐसे में इस बार भी सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग इस पर कोई चूक नहीं चाहता है, और काफी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दूं मीडिया के लोगों को भी बिना पास के वहां अनुमति नहीं दी गई है, इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि सुरक्षा का पूरा व्यापक इंतजाम किया गया है और पुलिस डिपार्टमेंट इसमें कोई चूक नहीं चाहता है। अन्य घटनाओं की बात करें तो सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी समाज जो है 30 तारीख को झारखंड बंद के साथ भारत बंद का ऐलान किया है, और उसे लेकर जो हजारीबाग का सरना धर्म स्थल है वहां एक आदिवासी समाज के लोगों की बैठक की गई है, और उस बैठक में यह तय किया गया है कि 30 तारीख को जो बंदी है उसे कैसे सफल बनाना है। तो सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी समाज के लोग अब कुछ एक्टिव दिख रहे हैं, और 30 तारीख को उन्होंने बंदी का ऐलान किया है। बात करें ट्रैफिक की तो हजारीबाग की जो ट्रैफिक की समस्या है वो लगातार बरकरार है, लगातार मुख्य चौक चौराहे जाम हो रहे हैं, लेकिन हालांकि कुछ दिनों से वाहन चेकिंग अभियान जो है लगातार यातायात पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, इसी ट्रैफिक को देखते हुए चलाया जा रहा है, ताकि लोग जिस चौक चौराहे पर सड़क जाम हो रहा है वहां लोग उधर से लोग कम गुजरे और ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके, तो ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार हजारीबाग में बरकरार है। जी नवीन, बिल्कुल शशांक, आपने कई गतिविधियों का जिक्र किया जिसमें महत्वपूर्ण गतिविधि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होने वाली है, जो प्रखंड मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर इचाक पहुंच रहे हैं और वहां पर वो कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।